इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग किया जाए, बिकॉज क्यू के समर वेकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। सो बेसिकली माय एंटायर डे रिवॉल्व्स अराउंड हर, उसको थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वगैरह करानी होती है एंड स्टफ लाइक दैट। तो आज मैंने सोचा एक व्लॉग कर लेती हूँ। एंड आज एक्चुअली है ना, मुझे थोड़ा सा शॉप में भी जाना है, एज इन लाइक कियू को बहुत ही काफ़ी टाइम से वॉच चाहिए था, बिकॉज उसकी जो दीदियाँ होती हैं उनके पास वॉचेस रहते हैं। सो कियू इज़ ऑलवेज लाइक यू नो, मेरे को भी वॉच चाहिए वॉच चाहिए, और उनका जो बड़ा वॉच है वो लेके पहन लेती है, विच ऑब्वियसली डज नॉट फिट हर रिस्ट। तो मैं आज सोच रही हूँ कि उसको शॉप में लेके जाके उसके ही पसंद का यू नो वॉच मैं उसको दे दूँ, सो दैट इवन शी बिकम्स हैप्पी। तो वो हम बाद में करेंगे, बिकॉज अभी इतनी ज़्यादा इट्स मॉर्निंग टाइम, बट स्टिल इट्स सो मच ऑफ हीट एंड इस गर्मी में बाहर जाना तो इट इज़ इम्पॉसिबल। सो वो जो प्लान है हमारा शाम को होगा, ऑलमोस्ट लाइक 4:30 के बाद ही हम जाएंगे। एंड आज मैं खाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ, बिकॉज कियू इज़ एट होम। तो मैं सोच रही हूँ एक वन पॉट मील जैसा हो जाता है वैसे ही मैं कर लूँ। सो आई एम गोना प्रिपेयर लाइक अ सिंपल मिक्स्ड वेजिटेबल का पुलाव, एंड उसके साथ हम बनाएंगे कैरेट एंड बीटरूट का सूप। दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड हेल्दी कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और जो मेरा अगारो प्राइमो मल्टी केटल पॉट है उसमें तो एक ही साथ ये दोनों चीज़ें हो जाती है। सो नीचे मैं बेसिकली पुलाव बना लेती हूँ, एंड वाइल द पुलाव इज कुकिंग ऊपर हम जो सूप है उसके लिए जो वेजीज है उसको बॉयल भी कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ये जो केटल पॉट है इसको आप लेके ट्रैवलिंग में भी जा सकते हैं, स्पेशली अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको घर का ही खाना अगर आपको देना है तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, सो आप इसको लेके ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग। बट कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे कियू को भी उठाना है, तो सबसे पहले हम कियू को उठाएंगे, उसके बाद मैं आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी दूंगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू कुकिंग। सो यहाँ पे बस मैं क्यू को उठा रही हूँ, एंड मॉर्निंग टाइम इज़ माय फेवरेट टाइम बिकॉज उसका मूड बहुत अच्छा होता है, एंड यू नो आई जस्ट लव कडलिंग हर ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, बिकॉज यू नो बच्चों का जो मॉर्निंग टाइम है व्हेन दे जस्ट वेक अप, इट्स द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन बॉन्ड विथ योर किड्स, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई डेफिनेटली डोंट मिस। आई डू दिस एवरी सिंगल डे सो दैट हम दोनों का आगे का दिन बहुत अच्छे से गुजरे। तो इसके बाद हमने बस लाइक यू नो क्यू को मैंने नहला दिया था, धुला दिया था, एंड उसका जो ब्रेकफास्ट है वो उसको खिला दिया था, एंड इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कुकिंग की प्रेपरेशन, जिसके लिए मैंने ये सारे वेजीज एंड सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी थी। सो चलिए पहले मैं आपको प्राइमो मल्टी केटल पॉट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग। सो ये है अगारो प्राइमो मल्टी केटल पॉट 700 वॉट्स का, जो आता है 2 ईयर्स के वारंटी के साथ। ये एक मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है जिसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं एंड साथ में स्टीमिंग भी कर सकते हैं। ये इतना लाइट वेट है कि आप इसको ट्रैवलिंग में भी इजीली लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले मिलेगा आपको ये मेन बॉडी जिसकी कैपेसिटी 2 लीटर्स है, और ये आता है डबल लेयर्ड बॉडी के साथ। बाहर है फूड ग्रेड प्लास्टिक और अंदर का पॉट है सेरामिक कोटेड, जिसमें मैक्सिमम लेवल भी डिनोटेड किया हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छा वाइड माउथ है जिससे कुकिंग एंड क्लीनिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट मिलेगा ये ग्लास लिड जो आप मेन पॉट पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके नीचे है ये फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनाया हुआ स्टीमर पॉट जिसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या मोमो सब स्टीम कर सकते हैं। सो लिड को आप मेन केटल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इस लिड में स्टीम वेंट भी दिया हुआ है। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर मेन बॉडी के ऊपर स्टीमर पॉट को रख कर फिर लिड भी लगा सकते हैं। ये है इसका कंट्रोल नॉब जिसमें आपको 2 टेम्परेचर सेटिंग्स मिलेंगे, लो और हाई। सो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और ऑफ करने के लिए इस नॉब को लेफ्ट की तरफ घुमाएं। इसमें मिलेगा आपको एंटी ड्राई सेफ्टी प्रोटेक्शन, जिसका मतलब है कि कुकिंग के दौरान अगर ओवरहीटिंग होती है तो ये अपने आप भी बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट वेट कीजिए जिसके बाद ये फिर से रीहीट हो जाएगा। ये है इसका बॉटम जिसमें एंटी स्किड रबर ग्रिप्स दिए हुए हैं, एंड साइड पे दिया हुआ है ये प्लग इन पॉइंट जहाँ पे आपको ये केबल को कनेक्ट करना है, एंड देन पावर सोर्स में भी इसी केबल को कनेक्ट करना है। जब आप इस केटल पॉट को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तब सबसे पहले इसमें मैक्स लेवल तक पानी भरे और फिर उस पानी को बॉयल करें। यहाँ पे मैं लो टेम्परेचर ही सिलेक्ट कर रही हूँ। अब जो पानी बॉयल हो जाता है उसको आप फेंक दें, और फिर उसके बाद ही आप इसमें कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिना इस प्रोसेस को किए डायरेक्टली कुकिंग ना करें।
सो चलिए अब मैं सबसे पहले पुलाव बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी करके रख दिए हैं। सो सबसे पहले मैं पॉट को लो टेम्परेचर पे ऑन कर दूंगी और जैसे ही इसमें हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं डालूंगी 2 चम्मच घी। उसके बाद डालूंगी मैं 1 तेज़पत्ता, ब्लैक पेपर, दालचीनी और ज़ीरा और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। इस पे आप सिलिकन स्पून या वुडन स्पून ही यूज़ करें, स्टेनलेस स्टील स्पून यूज़ करने से इसका जो सिरामिक कोटिंग है वो ख़राब हो सकता है। सो अब ये थोड़ा भून जाए फिर मैं डालूंगी इसमें कांदा और कांदा को भी हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि ये गल ना जाए और उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, जिसके बाद हम डालेंगे सारे मिक्स्ड वेजीज। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थोड़े से मटर, बीन्स, कैरेट एंड कॉलीफ्लावर। अब इसको हम थोड़ी देर घी में अच्छे से भूनेंगे एंड उसके बाद हम डालेंगे जो हमने जो सोक किया हुआ था राइस उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से आप मिक्स कर ले। थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट के बाद फिर हम डालेंगे इसमें सारे मसाले। सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी और जो एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला आता है वो और थोड़ा सा नमक और इसको आप अच्छे से पकने देंगे। एंड ये जब तक पक रहा है तब तक मैं सूप के लिए जो कैरेट एंड बीटरूट्स है जो हमने काटे थे उसको भी मैं स्टीमर पॉट में अरेंज कर दे रही हूँ, सो दैट जब हम पानी डाल के यू नो पुलाव को पकाएंगे तो उसके ऊपर ही उसी स्टीम में हमारा ये बीटरूट्स और कैरेट्स भी पक जाएगा। सो अब आप इसमें फाइनली पानी डाल दें ऐसे एंड जब तक हमारा पुलाव बन जाएगा तब तक उसी समय पर स्टीमर पॉट में हमारे वेजिटेबल्स भी अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। सो यहाँ अब मैं स्टीमर पॉट रख दूंगी इसके ऊपर एंड लिड भी रख दूंगी ऐसे। सो इसी तरीके से आप एक ही समय पर कुकिंग एंड स्टीमिंग दोनों कर सकते हैं इस मल्टी केटल पॉट में। सो अभी हम 10 से 15 मिनट तक वेट करेंगे। अभी क्या करेंगे? सो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है तो हम देख लेते हैं कि हमारा पुलाव और वेजीज का स्टेटस क्या हो रहा है। सो लेट्स सी। ओके सो कैरेट्स तो यहाँ पे अच्छे से स्टीम हो गए हैं एंड नीचे हमारा पुलाव भी बनकर एकदम ही रेडी हो चुका है। सो अब हम पुलाव की प्लेटिंग कर देंगे। सो ये बन गया हमारा क्विक एंड टेस्टी पुलाव रेडी टू ईट। सो चलिए अब इसे हम वॉश कर लेते हैं। सो वॉश करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे कि सिर्फ नायलॉन स्क्रब का ही इस्तेमाल करें, इसमें स्टील स्क्रबर बिल्कुल ना यूज़ करें। ऑल्सो जो मेन ऑन ऑफ नॉब है उसमें भी ट्राई करें कि पानी ना लगे, साथ ही साथ जो नीचे का बेस है उसको भी पानी लगने ना दें। सो ऐसे ही आप लिड और स्टीमर पॉट को भी अच्छे से धो सकते हैं। सो चलिए अब हम बनाएंगे सूप, जिसके लिए सबसे पहले मैं जो हमारा स्टीम्ड कैरेट्स एंड बीटरूट है उसका पेस्ट बना दूंगी। सो पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं एंड देन आपको बस इसको ग्राइंड कर देना है। सो ये रेडी हो गया हमारा पेस्ट। सो चलिए अब इसे कुक करते हैं। सो कुक करने के लिए सबसे पहले मैंने लेवल 1 पे टेम्परेचर रखा हुआ है और जैसे ही थोड़ा सा वो गर्म हो जाए तो हम डालेंगे थोड़ा सा घी एंड घी में हम डालेंगे ज़ीरा, कड़ी पत्ता और गार्लिक फाइनली चॉप्ड एंड आपको बस इसे अच्छे से भून लेना है। एंड इसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं जो कैरेट और बीटरूट का जो पेस्ट हमने ग्राइंड किया था वो आप डाल दीजिए और फिर आपको कितना पतला या गाढ़ा चाहिए सूप उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए इसमें और इस जो ये जो सूप है उसको अच्छे से आप पकने दीजिए। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अगेन काली मिर्च का पाउडर आप आपके टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कितना तीखा चाहिए या कम तीखा चाहिए। एंड देन ऑल्सो आपको इसमें नमक ऐड करना पड़ेगा। बस फिर इसे थोड़ी देर बॉईल होने दीजिए और एक जब बॉईल आ जाए उसके बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। सो बस ये रेडी हो गया हमारा झटपट और हेल्दी एंड टेस्टी कैरेट बीटरूट सूप, जो बड़े ही नहीं बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। सो ये है फाइनली हमारा आज का सिंपल मील, विच इज़ वेजिटेबल पुलाव एंड कैरेट एंड बीटरूट का सूप। ओके गाइस, सो लंच बन के रेडी हो चुका है एंड आई एम लिटरली स्वेटिंग सो मच। तो अभी हम लोग बस अच्छे से एसी चालू करके खाना एंजॉय करेंगे एंड उसके बाद थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद मैं क्यू को तैयार करके देन आई विल टेक हर टू द शॉप। व्हाट इज कियारा डूइंग?
tracing. You're tracing? What letter are you tracing? C. C. C for? Car. Wow, good job. Very good. Very good. Kiala, kida jate? Shopping. Shopping jate. Wow, what are you going to shop? कपड़ा. वाह. सो इसके बाद हम सब निकल गए एंड हम यहाँ पे बस वॉकिंग वॉकिंग करते जा रहे हैं बिकॉज द शॉप इज वेरी नियर बाय. क्या लिया कियारा ने? व्हाट डिड यू टेक? शो मी व्हाट डिड यू टेक. एंड शो मी योर वॉच. वाह. शो 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 शो. सो ब्यूटीफुल. डू यू लाइक इट? या. शो मी. डू यू लाइक इट? या. ओके. बस फिर उसके बाद मैंने और थोड़ी सी बुक्स की शॉपिंग करी जस्ट सो दैट यू नो कियारा और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा सा ट्रेसिंग करके यू नो लेटर्स और नंबर्स अल्फाबेट्स कर ले. उसके बाद हमने ले लिया थोड़ा सा भजिया एंड यू नो वड़ा पाव. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइज. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग. अंटिल देन बाय बाय.